الحمد لله الذي أوجد الخلق من العدم وعلم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه الذين سلكوا السبيل الأقوم أما بعد قال الله عز وجل ये कहा अहमद भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया।
आज आज हम लोग आते हैं कि जनरल जनरेशन से मुसलमान है, दादा मुसलमान थे, बाप मुसलमान थे, पता नहीं सब बहुत साथियों आगे जनरेशन तक हम लोग मुसलमान है, लेकिन इस्लाम बहुत दूर है, इस्लाम नहीं है, ना हमारी जिंदगियों में है, ना हमारे बिजनेसों में है, ना हमारे कारोबारों में है, कोई इस्लाम नहीं है। इसकी वजह से भी परेशानियां हैं, तो आज हम लोग परेशान है। मैं शेख से बात नहीं कर रहा था, आज आज इस्लाम मेरे घर में सबसे ज्यादा बेहैसियत वैल्यूलेस जो हमारी नजरों में है, मुझे ऐसा लगता है माफ करे, वो इस्लाम है। सिर्फ इस्लाम ही की कीमत नहीं है, आज हम हमारे बच्चे, हमारा माशरा, हमारी फैमिली कहां जा रही है, कोई कोई एहसास नहीं। इख्तलाफ एक ऐसा फितरा है, बहुत तेजी से हमारे मुसलमान में जा रहा है, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे ड्रग्स की शिकार पर, ड्रग्स का शिकार है। आज हमारे बच्चे आप दिल्ली में रहते हैं, आपको सब मालूम है क्या वजह है, क्या वजह है, वही कुरान की है, वही रसूल की है, वही हदीस है, वही सारी चीजें हैं, वही सब कुछ हमारे पास है जिससे हमने कभी पूरी दुनिया में कहा। आज लेकिन आज मुसलमान सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या वजह है, वो जो इस्लाम है वो निकल गया, जो कुरान की तालीमात, जो अल्लाह के रसूल की तालीमात थी, सब जिंदगी से कभी आया ही नहीं आता। कभी जब हम अल्लाह माफ करे, जब हम चीट करते हैं, जब हम वादा खिलाफी करते हैं, जब हम गिबतें करते हैं, जब हम झूठ बोलते हैं, कभी एहसास नहीं होता कि इस्लाम क्या कह रहा, कुरान क्या कह रहा, कभी एहसास नहीं। आज हमारे फैमिली सिस्टम बिल्कुल डिस्टर्ब है। आप देखिए, मैं आपसे एक फैमिली का एक तारुफ कराता हूँ, कुरान में जिसको जिक्र किया है। आज सुबह भी मुझसे आपसे डिस्कस कर रहे थे, अभी मैंने उसकी आयतें भी पढ़ी है, सूरह यूसुफ की, बड़ा खूबसूरत वाकया है। इस वाकये के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब नाज़िल फरमाते हैं तो अपने रसूल से कहते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि हम आपसे बहुत खूबसूरत किस्सा बयान करने वाले हैं। नहनु नक़ुस्सु अलैका, उसकी खूबसूरती को पहले बता दिया, जैसे आपसे कहेंगे कि मैं आपको एक बहुत लजीज खाना खिलाने वाला हूँ, इसका मतलब कि आप तैयार हो जाएंगे, खाना जो है बहुत लजीज है। मैं आपको एक बहुत फेमस जगह ले जाना चाहता हूँ, यानी बहुत मशहूर जगह है, बहुत लोग आते हैं, तो ऐसे अल्लाह क्या क्या करा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी तौर पर सूरत को जब नाज़िल फरमा रहे हैं तो कह रहे हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, ये जो बहुत खूबसूरत किस्सा है वो हम आपको बताने वाले हैं। फिर आगे फरमाते हैं, और इन कुंतम मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन, और इस सूरत के नाज़िल होने से पहले, इस सूरत से पहले आपको इसके बारे में पता नहीं था। इसमें जो हिकमत है, बहुत सारे कुरान वाला के नाज़िल हो गया, बहुत बड़ा हिस्सा कुरान का नाज़िल हो गया जब सूरह यूसुफ नाज़िल हुई, यानी अल्लाह फरमा रहे हैं रसूल को, वइन कुंतम मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन, इसमें जो जो आपको लेसन जो है वो आपको उससे पहले नहीं मालूम। इस सूरत जब ये शुरू होती है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 10 साल की उम्र है, 10 साल में एक छोटा सा बच्चा, वो अपने बाप से कह रहा है, इरफान यूसुफ ने अभी या अबद पे बात करेंगे, सिर्फ जो भी वक्त है, इरफान यूसुफ ने अभी या अबदी, ये कहते हैं यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाप से, ए मेरे प्यारे अब्बा जान, ये ताज है इसके अंदर ताकुब के लिए आता है अरबी के अंदर, मतलब लेकिन उसका कुछ ना कुछ तो तर्जमा करना पड़ेगा ना, मेरे प्यारे अब्बा जान, ये कह के अपने बाप को एक 10 साल का बच्चा मुखातब कर रहा है। आप सोचिए कि उस 10 साल के बच्चे को किसने सिखाया होगा कि अब्बा को प्यारे अब्बा जान कहना है, किसने सिखाया होगा उस 10 साल के बच्चे को, ना तो असेंबली स्कूल थे, ना ही के स्कूलों में तरबियत होनी थी। वो जो घर पर वो खूबसूरत माहौल है, कितना अच्छा माहौल होगा, वो बच्चा अपने बाप से कह रहा है, ए प्यारे प्यारे अब्बा जान, हम यहाँ इतने बार बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि क्या कभी हमारा बच्चा हमसे आगे कहता है प्यारे अब्बा जान, कैसे कहेगा, मोबाइल में लगे हुए हैं, वो कहेगा आगे अब्बा आ जाए कि वो एक बार तो बताओ, वो मोबाइल में लगे हुए है ना, वो छोटा सा बच्चा, आज 10 साल, 15 साल, 20 साल, उसके स्कूल में कुछ हुआ है, आज वो कुछ डिस्टर्ब है, वो अपने बाप से बात करना चाह रहा है, बाप आए घर पे मोबाइल में लगे हुए, हाँ क्या है बता, कि वो कुछ कह रहा था, अरे तो बोल ना, सुन तो रहा हूँ, ये सब हमारे जुमले होते हैं नहीं होते हैं, वो बच्चा कह रहा है आपसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन नहीं, हाँ बोल, कहां से तो सुन रहा हूँ ना, मेरे हाथ को हाथ में टाइप कर रहे हैं, क्या है, चल बता, अच्छा चल पता क्या, कि वो बजाने से ऐसे स्कूल में हो गया, अच्छा ठीक है चल गए, और छोटा सा बच्चा पता क्या कह रहे हैं सलाम के बाप से, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप से ख्वाब डिस्कस कर रहा है कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा रहा कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं,
ये छोटा सा बच्चा कहां से सीखा इसने अब्बा को अब्बा जान के ना, आगे कुरान कह रहा काल या बुनई, बाप कह रहा था मेरे प्यारे बेटे, ये कहता था बाप। तो जब एक बच्चा सात आठ पांच छह साल, पांच साल के बाद बच्चा काफी करने लगता है, पांच छह सात आठ साल से ये सुन रहा है वो, पांच साल की उम्र से पांच छह साल से प्यारे बेटे प्यारे बेटे यहाँ आओ बेटा यहाँ बैठो बेटा मेरे पास बैठो, जब ये सुनेगा तो उसको पता चलेगा कि प्यारा भी लगाना पड़ता है, मोहब्बत का निशान करना पड़ता है। ये आज मोहब्बत के कई सारे तरीके होते हैं दिखाने के, जबान से कहा जाता है मोहब्बत को, हमारे यहाँ से कोई चीज ना पहले है ही नहीं, ऐसा लगता है कि मोहब्बत का इजहार कर लिया तो अस्तगफिरुल्लाह है, ये हमारे यहाँ तसव्वुर ही नहीं कि जबान से भी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। दुनिया का जो सबसे बड़ा आदमी है, दुनिया का जो सबसे बिजी आदमी है, हम लोग जो घर में जो एक माहौल बना के रखते हैं वो खतरनाक वाला, वो ये शख्स घर में दाखिल होने से पहले बहुत अच्छा है, अपने बॉस के सामने, अपने क्लाइंट के सामने, अपने और दूसरे लोगों के सामने जिनके साथ इसको सिर्फ कुछ घंटे रहना है, उनके साथ तो बहुत अच्छे हैं हम लोग, जी सर ओके सर थैंक यू सर, अच्छा सर कब मिल रहे हैं सर, प्लीज फोन कर दीजिए सर, ये मेरा नंबर है, ये अच्छी बातें कर रहे हैं। यही शब्द जब घर में दाखिल होता है पूरी बॉडी लैंग्वेज में जाती है, हाँ क्या है लाइट किसी जला रखी यहाँ पे दबा रखने बंद किया, ये है ना जिसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है उनके साथ ये मानना है हमारे, और जिनके साथ सिर्फ कुछ घंटों रहना है वो जो आपके साथ बस के कुछ दूर आया था उससे बड़े अच्छे से पेश आते हैं आप, वो जो जिंदगी की सवारी के साथ पूरी जिंदगी अपने साथ है, वो जो अपनी फैमिली, वो जो अपने वाइफ, वो जो अपने बच्चे, उनके साथ कहाँ है हम लोग। मैं आपको बताऊं रसूल मोहब्बत का इजहार किया करते थे अपनी बीवियों से, जिनके नाम पे आपकी ये मस्जिद है माँ आयशा, उनके पास बैठे हैं रसूल, आप सोचिए एक ऐसा आदमी जिसे पूरी कायनात की फिक्र है, जिसे पूरी कायनात की फिक्र है, जो कभी खुल के नहीं हंसा पूरी जिंदगी, ऐसा शख्स अपनी बीवी से कह रहा है आयशा तुम मुझे ऐसे पसंद हो जैसे खजूर शहद के साथ। ये कौन फरमा रहा है? रसूल, जिनका हम नाम नाम लेते हैं बस, कहने लगे कि आयशा तुम मुझे ऐसे पसंद हो जैसे खजूर के साथ शहद। हजरत आयशा मुस्कुराई बोली, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप मुझे ऐसे पसंद है जैसे मक्खन के साथ खजूर। वो कैसे इजहार कर लेंगे कि यार सुरना मुझे आप ऐसे पसंद है जैसे मक्खन के साथ कर लो। अल्लाह के उसमें मुस्कुरा के बोले आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, हमने सब कोई तसव्वुर कर सकता है, आप अपने घर जाए अल्लाह से कहें कि आप मुझे ऐसे पसंद हैं जैसे, तो वो घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। ऐसा है ना हमारे घरों का माहौल, अगर आप अपनी बीवी से अपनी मोहब्बत का इजहार करें तो बेचारी डर जाएंगे कि पता नहीं शायद मुझसे कुछ गलती हो गई, शायद पता नहीं क्यों ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। जो हमारी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार है, जो हमारी मोहब्बत की सबसे ज्यादा हकदार है, जिसे क्या कहा गया था कुरान ने, हुन्ना लिबासुल लहू व अंतुम लिबासुल लहू, इससे बड़ी ताबीर नहीं है कुरान में, कुर्बत की इससे बड़ी ताबीर नहीं हो सकती, प्रॉक्सिमिटी की क्रॉसनेस की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। कुरान क्या कह रहा है, हुन्ना लिबासुल लहू व अंतुम लिबासुल लहू, कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है तुम उनका लिबास हो। लिबास काहे के लिए पहनता है, अपने सतर को छुपाने के लिए, अपनी ज़ेबो ज़ीनत के लिए, आराम के लिए, कंफर्ट के लिए, इसके लिए पहनता ना। अब सर्दी शुरू हुई तो सब लोग लिबास चेंज कर दिया ना, सबने कोई जैकेट पहन रहा है, कोई कुछ पहन रहा है, कंफर्ट, और फिर अच्छा भी पहनता है, ये कह रहा है कुरान बीवी को। लेकिन हम लोगों ने सबसे ज्यादा हमारी बदतमीजियों का शिकार या तो हमारी माँ या हमारी बीवी, अल्लाह माफ करे, ऐसे ही हालात है। आप अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए, घर में आके बोले देगा अम्मा आयशा चाय, वो पानी पी रही है, पानी मैं सुनाता हूँ, अम्मा आयशा पानी पी रही थी, आपने सलाम सलाम किया, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे ख्याल में हमने तो पता नहीं कब सलाम किया होगा हम लोगों को तो तसव्वुर ही नहीं कि घर में जाके सलाम भी करना है या नहीं करना है, है नहीं है, कितने अफसोस की बात है। बीच में सलाम की बात आ गई, आप हजरत से दुआ कराते हैं, मुझसे भी कहेंगे हजरत दुआ कीजिए, है ना, ये हम लोग कहते हैं सलाम के बारे में सोचा आपने कितनी बड़ी दुआ है। आपने सलाम फरमाया, सलाम करो घरों में सलाम किया है, आपस में सलाम का रिवाज है। मैं आपको एक मतलब बताता हूँ सलाम का, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तीन चार लफ्ज हैं,
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चलो सलामती हो तमाम सलामतियां अलिफ्लाम तारीफ कर तमाम सलामतियों को घेर लिया इसने। इसका मतलब यह होगा तमाम तरह की सलामतियां हो, सलामती हर तरह की, किससे? कोरोना से सलामती, नजरे से सलामती, खांसी से सलामती, जो भी आप सोच सकते हैं जिस चीज से भी सलामती, वो इस एक छोटे से लफ्ज में अल्लाह ने रख दिया कि आप पर तमाम तरह की सलामतियां हो। एक आगे कहते हैं अलैकुम, अलैका के मतलब ये होता है अरबी के अंदर तुझ पर सलामती हो, अलैकुम आप सब पर सलामती हो, मतलब जितने भी घर में लोग हैं सब पे सलामती। वरहमतुल्लाहि और अल्लाह की रहमत जिसकी कोई हद नहीं, सलामती तो वो जो हम सोच रहे हैं इसकी चीज से सलामती हो। वरहमतुल्लाहि अब अल्लाह की तरफ बात चली गई, अल्लाह की रहमतें हो आप पर, वबरकातुहु और अल्लाह की बरकतें। ये कितनी खूबसूरत दुआ है। आप तसव्वुर करें आप यहां से अभी जाएं घर पे और आप कहें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, तो वो शायद घर में कहेंगे कि जरा देखना बाहर कोई आया। आदत ही नहीं है ना, इस अंधेरे में रहने की इतनी आदत पड़ गई कि अगर रोशनी होती है तो अचानक वो हो जाता आगे दुनिया जाएंगे, ये क्या हो रहा है। आप अगर अभी घर पे जाके सलाम करें, ये सब हमारे हमारे आयब नहीं है, ये हमारे नकायस हमारी गलतियां हैं। आपने सलाम किया अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु, दो तीन बार चार बार पांच बार करेंगे तो उनको आदत हो जाएगी कि हाँ ये सलाम करते हैं। आगे घर से जवाब मिला वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आपके भी सलामती हो, आपके भी रहमत हो, आपके भी बरकत हो। छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 10 साल, किसी का पोता किसी का नवासा किसी का बेटा बेटी, वो देख रहे हैं तरबियत। वो बात चली थी ना यूसुफ अलैहिस्सलाम से, वो जो तरबियत, जरूरत नहीं है सलाम सिखाने की या बताने की, सिर्फ करना शुरू कर दीजिए। और छोटा बच्चा देख रहा है क्या घर में सलाम करना होता है। अभी स्कूल से आता है छोटा बच्चा, अपनी छोटी छोटी आवाज में कहता है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, जैसे मिल रहे। आप मुझे बताएं ये कितना सा मासूम बच्चा, इतना छोटा सा मासूम बच्चा, वो अगर अपनी छोटी छोटी जबान से अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह जिन सब पे सलाम की हो इन पर रहमत है, तो क्या घर में सलामती नहीं आएगी? नहीं आएगी घर में सलामती? क्या 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 ऐसे ही परेशान होंगे जैसे आज हैं? क्या क्या फिर उस तरह की बीमारी आएंगी जिनका इलाज नहीं मिल रहा? नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। जिस घर में दाखला ही सलामती के साथ हो और जिस घर से जब लोग बाहर निकले तो सलामती के साथ, सब कुछ निकाल दिया जिंदगी से, मोबाइल देखते हुए घर में दाखिल होते हैं, मोबाइल देखते हुए बाहर, पता ही नहीं चलता। और फिर मोबाइल देखते देखते कहते हैं अरे चल मोबाइल का, हर वक्त मोबाइल देखता रहता है, मोबाइल देखते देखते लाइफ आ सकता है। तो आप अलैहि सलाम ने सलाम किया, आप अलैहि सलाम को सलाम ने सलाम किया, सलाम के बाद हजरत आयशा से पूछ कहा कि हुमैरा, हुमैरा कहा करते थे आप अलैहि सलाम हजरत आयशा को, कि हुमैरा हम भी पानी पिएंगे। ये निकनेम था जो अल्लाह ने अपनी बीवी, अल्लाह के नबी ने अपनी बीवी का रखा था प्यार का नाम। आज हमारे नौजवान जो इस्लाम को नहीं जानते वो ये सोचते हैं कि साहब ये जो निकनेम या पेट नेम रखना होता है ये मॉडर्न एक वो है, ऐसा नहीं है। रसूल लग चुके, मोहब्बत के जितने तरीके हो सकते थे रसूल सब सिखा चुके, उससे ऊपर हो ही नहीं सकते। हाँ ये जायज जायज तरीके सिखाए थे कि हमारा हम भी पानी पीएंगे। हजरत अम्मा आयशा बोली मुस्कुरा के या रसूल अल्लाह पहले आप ही पी लें, कहने लगे नहीं आपके बाद पियेंगे, समझ में आ रहा है कि प्यास नहीं है। फिर फरमाने लगे अच्छा इसी में से पियेंगे, आपका बचा हुआ पियेंगे। दिल जो ही कर रहा है ये शख्स, ये जिसके लिए कायनात बनाई गई है ये दिल जो ही कर रहा है अपनी बीवी की, फिर कि आपके बाद पिएंगे आपका बचा हुआ पानी, ठीक है। हजरत अम्मा आयशा ने पानी पिया और वापस वो जो बाउल था पुराने जमाने में कटोरे होते थे वापस लिया, तो जैसे आप पीने लगे तो आप रुक गए। अल्लाह अकबर, आप अदाए देखिए, आप उस घर का माहौल महसूस करें, आप उस घर का माहौल देखें। आप अलैहिस्सलाम पीने से पहले रुक गए, कहने लगे हुमैरा जरा ये बताओ जब आपने पानी पिया तो आपके लिप्स कहाँ थे, आपके होंठ कहाँ थे, शौहर है ना, तो उनका चेहरा वो हो गया शर्म से ना सुर्ख हो गया, तो फिर मुस्कुरा के इशारा किया कि मैंने यहां से पानी पिया था, आप अलैहिस्सलाम ने वहां से पानी पिया। ये घर का माहौल, इसे पैदा करने की जरूरत है। फिर देखिए आप कैसे हमारे बच्चे बिगड़ गए, बिगड़ ही नहीं सकते। आप एक बात याद रखें, मैं बात खत्म कर रहा हूं,
आप अगर अपने बच्चे की, आप अगर अपनी बच्ची की बात नहीं सुनेंगे तो वो किसी और को सुनाएंगे, और फिर वहां से जो भी उनको शैतान लगा हुआ है, शैतान तो लगा हुआ है ना भाई। आप मैं इस बार मिसाल दे रहा था, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आपकी बच्ची कॉलेज जाती है, ठीक है, आपकी बच्ची स्कूल जाती है, 12, 15, 16, 18 साल की है, 20 साल की है, एक लड़का रोजाना नुक्कड़ पे खड़ा रहता है, इतनी बात है, कोई बात नहीं। अब ये बच्ची आके आपसे कहना चाह रही है कि अब्बा वो कुछ कहना था, क्या अपनी माँ से बता दे, मेरे पास नहीं है टाइम, हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम तो रात को 12 बजे जाते हैं घरों को, 10 बजे तक सोते हैं, बच्चे चले जाते हैं, है ना, हमारे बच्चे ऐसे ऐसे बड़े होते हैं, ऐसे नहीं होते, ऊपर को बड़े नहीं होते, हम तो उन्हें बेड पे देखते हैं, बेड पे सोते हुए ऐसे ही बड़े होते हैं, अगर उनसे कभी बात करें तो पता चलेगा कितने बड़े हो गए। अब वो कहना चाह रहे कि अब्बा कुछ असल में बात करनी थी आपसे, मैं कह रहा ना टाइम नहीं है मेरे पास, अपनी माँ से बता दे, ठीक है। अब वो अपनी माँ से कह रही है कि अम्मा जब एक मैं इधर से गुजरती हूँ तो एक लड़का खड़ा है वहां पे, अच्छा बेचारी उसी की गलती है ना, अरे आप सुनिए ना उसकी बात, उस बच्ची को इतना एतमाद होना चाहिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब बता रहे 10 साल के बच्चे अपनी बात को, हमारी बच्चियां हमारे बच्चे अपनी रियल प्रॉब्लम नहीं बता सकते, वो ये नहीं बता सकते कि एक लड़का ने मुझे छेड़ा क्या हो गया, क्या हो गया हमारे माशरे को, और आप तो सुनेंगे नहीं, दिल के अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि उसके वो आपको भी बात पहुंचा सके, खुदा को नहीं हुआ ना हम माँ उसको ज्यादा बात करें, पता नहीं क्या समझे हुए हैं हम लोग अपने आप को, और वो क्या करेगी बच्ची वाली बात, जब आप लोग नहीं सुनेंगे, माँ नहीं सुनेंगे, घर का कोई सुनेगा, अपनी दोस्त को बताएगा, पता नहीं दोस्त खड़ा गया लड़का, पता नहीं माँ, बस शैतान को मौका मिल गया। बिल्कुल, आप अगर अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को आप अगर खुद घुमाने नहीं लेके जाए, अरे इंसान है ना यार, इंसान है ना, तो आप नहीं लेके जाएंगे तो कोई और लेके जाएगा, आप अगर अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं करेंगे तो अल्लाह माफ करेगा, हिफाजत करेगा, कोई और करेगा। सोशल मीडिया, मोबाइल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या 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 क्या, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्या क्या है। आप देखें, आप देखें, आप हमने कितना ज्यादा गैप कर लिया अपनी फैमिलियों के अंदर, अगर आपका बच्चा, आपका अपना बेटा मोबाइल पे चैट करेगा, आप उससे पूछेंगे हाबे जी किससे बात हो रही, किससे है ना, अरे कौन है, कोई नहीं, बात ही नहीं कर रहा हूं आपसे, क्योंकि आपने नहीं की, जब उसे बात की जरूरत थी तो आपने नहीं की, अब वो उसने वही सीखा है आपसे, अब वो लगा हुआ है मोबाइल में, अब आप पूछ रहे हैं हाँ स्कूल कैसा था, है यही ऐसा, यही ऐसा हमारे माशरे में, और वहां वो बच्चा अपने बाप से ख्वाब शेयर कर रहा है, ख्वाब बता रहा है। तो अपनी फैमिलियों को, मैं इस प्रक्रिया बात आ रही थी कि अगर आप अपनी फैमिलियों को इंटरटेन नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। रसूल करते थे, रसूल ने दौड़ लगाई अपनी वाइफ के साथ, अम्मा आयशा के साथ, एक सहाबी ने दावत की, मगरिब के बाद गुजरे, कहने लगे कि चलो माँ तक देखते हैं कौन पहले पहुंचता है, रसूल ने दौड़ लगाई है मगरिब के बाद, कोई नहीं देख रहा, दोनों दौड़ लगाई है। हजरत आयशा हल्की बन की थी, माँ पहले पहुंच गई और खूब हंस रही है कि बताओ ये अल्लाह के रसूल है, और हार गए। फिर कुछ सालों के बाद फिर ऐसी इस तरह का वाकई हुआ, अब अल्लाह के नबी जीत गए, वो भारी हो गई थी थोड़ा सा हजरत अम्मा आयशा, तो अल्लाह के नबी वो फिर अफसुरदा हो गई, अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं भाई कोई बात नहीं, उस वक्त तुम जीत गए, हम जीत गए, बराबर बराबर हो गया, मैच ड्रॉ हो गया, ना आप जीते ना हम जीते, और आप भी जीते और हम भी जीते। ये रसूल कर रहे हैं, ये हमारी तालीमात हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगियों से निकाल दिया। इसका नुकसान क्या होता है, अब इस बच्ची की जो दोस्त हैं वो उसको गाइड करेंगी, पता नहीं फिर बस अल्लाह ताला हिफाजत करे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। अपना अपना आप मर्तबा, अपना मकाम पहचाने, अपने घरों के माहौल को सुन्नतों के मुताबिक करें, सुन्नतों के मुताबिक करें। मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दारुल देवबंद में हूं अल्हम्दुलिल्लाह, है अपना एक निजाम है जिंदगी में, वो कर रखा है कि इंशाल्लाह हर साल एक लंबा सफर किया करेंगे फैमिली के साथ, और अल्लाह आसान फरमाते हैं जाते हैं, सब सुन्नत है ये अपनी अलग ही रसूल ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा है, और ये मुसलमान हूं मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। तो अगर आपको अच्छा मुसलमान बनना है, अपने घर के माहौल को सेव करना है, और इन सब जो देखो ये तो परेशानियां आ रही हैं, आप कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी फैमिली में कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपनी
अपनी वाइफ से कॉन्फिडेंस पैदा करें, बच्चों में कॉन्फिडेंस हो, उन्हें दुनिया की कोई भी परेशानी आए, कितनी बड़ी आए, उनके जहन में एक हो कि नहीं हमारे अब्बा हैं, हमारे बालों के अंदर एक डैड है, मेरे पापा हैं, मैं उनसे डिस्कस कर सकती हूँ, चाहे पूरी दुनिया मुझे कुछ नहीं कहे, लेकिन मुझे अपने बाप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा बाप मुझे सही बात समझेगा। ये माहौल पैदा करें। आपकी वाइफ कितनी भी डिस्टर्ब हो, कितनी भी परेशान हो, उसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं एक शख्स है जो मेरी बात को समझेगा, जो बिल्कुल जो मुझे सुनेगा, मेरी बात को समझेगा और कोशिश करेगा। फिर मैं देखता हूँ और फिर आप भी देखें कि कैसे ये शयातीन और ये जो साजिशें हैं इस्लाम के और मुसलमानों के खिलाफ भला कैसे कामयाब हो जाएंगे। हो ही नहीं सकती इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो भी कुछ कहा गया है टूटा फूटा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे घरों का इतना ही खूबसूरत बना दे जैसे आप अलैहिस्सलाम के दौर में वो जो उन घरों का जो माहौल था, जो आप अलैहिस्सलाम का जो माहौल था।